नमस्कार बच्चों बच्चों हमें यहाँ पर सेंटेंसेज में जो सुटेबल नाउन है उसे चूज करना है और उसे यहाँ पर फिलअप्स में भरना है। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, तो आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंगली देखना है कि वहाँ पर वन आएगा या मैनी आएगा, यानी कि सेंटेंस की सेंस क्या बनती है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने सेंटेंस में भरना है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेंटेंस नंबर वन है, ही हैज़ अ ब्लैक डैश डॉग और डॉग्स। हमारे पास डॉग और डॉग्स है, यह सिंगुलर है और यहाँ पर ये प्लूरल है। तो जब आप सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें ही हैज़ अ ब्लैक डॉग, तो जब एक की बात की है तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा और सिंगुलर के लिए यहाँ पर डॉग आएगा, तो यहाँ पर आएगा डॉग। सेंटेंस नंबर सेकंड देखते हैं, आई हैव बाउट फोर, आई हैव बाउट फोर, यहाँ पर है फोर तो बुक या बुक्स आएगा। अगर यहाँ पर वन होता तो हम यहाँ बुक का प्रयोग करते, परंतु यहाँ पर फोर यानी कि मोर देन वन है तो यहाँ पर बुक्स आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वह है बुक्स जाएगा, यहाँ पर हम भरेंगे आई हैव बाउट फोर बुक्स। सेंटेंस नंबर थ्री देखते हैं, डैश आर प्लेइंग क्रिकेट। तो पीछे हमने बात की थी कि इज एम आर, अगर हम आई के साथ तो हमेशा एम का ही यूज करते हैं, और अगर हमारे पास सिंगुलर है तो वहाँ पर हम इज का यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आर है तो यहाँ पर चाइल्ड और चिल्ड्रन में से प्लूरल नंबर आएगा और प्लूरल क्या है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर सी कैपिटल आएगा, पी एच आई एल डी आर ई एन, तो ये चिल्ड्रन आएगा क्योंकि यहाँ पर आर दिया हुआ है और आर का प्रयोग मैनी के लिए किया जाता है। सेंटेंस नंबर फोर देखते हैं, आई हैव लर्नड अ डैश बाई हार्ट। तो यहाँ पर आ लिखा हुआ, पहले ही वन चीज वन थिंग की बात की गई है, तो मैंने एक पोयम एक कविता दिल से या अच्छी तरह याद की, तो यहाँ पर पोयम आएगा, पोयम्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर पोयम आएगा। सेंटेंस नंबर फाइव देखते हैं, यू ईट डैश डेली, यू ईट बनानाज डेली, यहाँ पर बनानाज ही आएगा क्योंकि यहाँ पर केला नहीं तो बनानाज ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा बनानाज। तो यहाँ पर बनानाज आएगा। सेंटेंस नंबर सेवन, महाराणा प्रताप वाज अ ग्रेट डैश हीरो हीरोज। तो महाराणा प्रताप क्या है सिंगुलर है और वैसे भी यहाँ पर आ लिखा हुआ है तो यहाँ पर हीरो आएगा क्योंकि हम सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वन ही आएगा, मैनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रीना हैज आ, यहाँ पर भी वन का है, ऑन हर हेड, तो यहाँ पर पीचर और पीचर्स, पीचर होता है घड़ा और पीचर्स नहीं आएगा, यह रोंग जाएगा, राइट आंसर पीचर आएगा, तो ये पी आई टी सी एच ई आर यहाँ पर पीचर आ जाएगा। सेंटेंस नंबर नाइन देखते हैं, ही बायस अ पेयर ऑफ डैश, अ पेयर ऑफ शू नहीं आता क्योंकि शू में तो एक ही जूता आता है, पेयर में दो होते हैं, तो यहाँ पर शू जाएगा, ही बायस अ पेयर ऑफ शूज, क्योंकि यहाँ पर पेयर की बात की गई है इसलिए यहाँ पर हमने यह प्लूरल नंबर का प्रयोग किया है, क्योंकि पेयर में हमेशा मोर देन वन आते हैं तो इसलिए यहाँ पर शूज आया है। कई बार आप इस आ को देख के कन्फ्यूज हो सकते हैं, एक जोड़ा है यहाँ पर, आ पेयर का मतलब एक जोड़ा है और एक जोड़े में मोर देन वन आते हैं इसलिए यहाँ पर शूज ही आएगा। सेंटेंस नंबर टेन, देर इज नो डैश टू सिट इन, देर इज नो चेयर टू सिट इन, कि बैठने के लिए कोई भी कुर्सी नहीं है, तो देर इज नो चेयर टू सिट इन, यहाँ पर चेयर आएगा।